ठीक है, मैं चल नहीं सकती। तो ये बिल्कुल कहना आपका कि मैं देखने से हष्ट पुष्ट लग रही हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं, सबसे पहली बात तो ये गलत है। हेलो दोस्तों, कैंचो दुनिया ना चुनौतियों और चोटियों से भरी पड़ी है। ये चुनौतियों से तो जीता जा सकता है, लेकिन चोटियों का क्या करे। वीडियो का टाइटल देखकर तो समझ ही गए होंगे आप कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। बस मैंने जो चोटें दिखाई है वो अभी मेरे शरीर पे लगी हुई। ये दीदी ना साउथ इंडियन की सस्ती बजट वाली मूवी की हीरोइन लगती है यार, कितनी सस्ती एक्टिंग कर रही है। वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था और हिट कर दी थी लगभग उसने मेरे नीज के पास। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जब दीदी तुम किसी पुख्ता वय के पुरुष को उछल उछल कर ऑस्ट्रेलियन कांगारू जैसे चाटे मार रही थी, तब ये दर्द, ये बीमारी, ये कहाँ गई थी। पब्लिक पास हो रही है, ट्रैफिक पुलिस उनको नहीं रोक रही है, ठीक है। और एक टाइम आता है जब एक गाड़ी मुझे हिट करके निकल जाएगी। ओ मेरी भोली बहना, गाड़ी में ना ये मासूम इंसान था, हमारे सैलमन भाई थोड़ी थे जो तुझे टॉकिंग टू द मून कर देते। और रही बात पुलिस अंकल की, तो पुलिस अंकल ना अपना काम ठीक से कर रहे थे। एक शायरी, पुलिस अंकल ने ट्रैफिक तो कंट्रोल कर लिया, पुलिस अंकल ने ट्रैफिक तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन इस कांगारू को कंट्रोल नहीं कर सके। वैसे बात तो सही है, गलत तो होती ना। ये देखो जब मैं उसको रोकती हूँ वायलेशन ऑफ लॉ में, सेल्फ डिफेंस में, ठीक है, तो भी पुलिस खड़े होकर देखती है। जब लोग मुझे 300 मीटर मारते हुए लेके जाते हैं तब भी पुलिस खड़े होकर देखती है। देखो कायदे कानून की बात कर भी कौन रहा है, जिसने खुद पुलिस के सामने सड़े आम कायदे को अपने हाथ में ले लिया और लॉ को बोल दिया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चाहे ये बंदा कैब ड्राइवर हो, लेकिन तेरे से अच्छे लॉ तो ये जानता है, और आप सिर्फ टीवी पे बैठे बैठे ज्ञान चोरते हो और तो कुछ कर नहीं सकते। खैर छोड़ो, महिला पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं, लेकिन कितना मारी। अवध चौराहे पे मैं पहुंच गई थी और वहां पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया था, तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। चलो मान लिया कि वहाँ पर जो लोग थे वो झूठे, वो कैब ड्राइवर झूठा, मैं भूसड़ी का, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा, दीदी सीसीटीवी कैमरा का क्या करोगी। सर सीसीटीवी में ये दिख रहा है ट्रैफिक लाइट, सर सर सीसीटीवी में ट्रैफिक लाइट दिख रही है, गलती किसकी है। बच्चों मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जहाँ पर एक दीदी है और कहानी की शुरुआत होती है दीदी के बॉयफ्रेंड ने उनका काट दिया और वो गार्डन से निकलकर घर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी और एक स्ट्रीट पर पहुंच गई जहाँ पर सिग्नल हो गया लाल। और फिर तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था और हिट कर दी थी लगभग उसने मेरे नीज के पास। उसकी गाड़ी और मेरे नीज की हाइट लगभग सेम थी। अब रियल कहानी सुन लो। हुआ ये था, मैं जो हूँ अपने कृष्णा नगर थाने से घर के लिए जा रहा था सिटी स्टेशन, क्योंकि ओला ड्राइवर की इतनी कमाई नहीं होती है कि रात के सुबह के 9 बजे वो निकलता है, 10 बज जाए 11 बज जाए कोई वक्त टाइम नहीं होता है। काम रहा तो ठीक है, मगर टाइम ड्यूटी पूरी देना होती है। मैं आ रहा था घर के लिए आलमबाग नहरिया चौराहा, जो आपका हरदोई रोड बाईपास चला जाता है, उसी चौराहे पे मैं थोड़ा दूर पे था, मतलब 50 मीटर पे। तो सिग्नल उस समय ग्रीन था और ट्रैफिक भी था, और उस समय ट्रैफिक भी होता है उस चौराहे पे काफ़ी ज़्यादा। तो मैं गाड़ी से आ रहा था, लेडी को मैंने देख लिया था कि वो लेडी बस से यूँ आ रही, पहले बस से उसने क्रॉस करा, फिर बाइक से, फिर आते आते मेरे गाड़ी भाई, उस समय रेड सिग्नल हो गया, मैंने जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी रोक दी। और लेडी जब आई, पता नहीं क्या गुस्से में थी, वो आई कहने की तो मुझे अटैक करना चाहता है, मारना चाहता है। आई जैसे ही उसने सबसे पहले मेरे पैसे छीने, मेरी डैशबोर्ड पर रखे थे, फिर मेरा मोबाइल तोड़ा। अब तू सुन, मुझे नहीं पता मेरी ये बात से मेरे वीडियो पे मुझ पे क्या एक्शन लिया जाएगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तू ये वीडियो देख रही है तो तुझे ये बोलना चाहता हूँ कि तूने गरीब को सताया, ये देख। आई जैसे ही उसने सबसे पहले मेरे पैसे छीने,
मेरी डैशबोर्ड पर रखे थे, फिर मेरा मोबाइल तोड़ा थी और मेरे भाई भाई मुझे एक बजे तक बंद तक मेरे भाई एक बजे पहुँचे थे, वो भी ट्रैकिंग के ज़रिए, क्योंकि उसमें GPS होता है गाड़ी में, हर गाड़ी में ड्राइवर की कहाँ ड्राइवर मेरा है कहाँ है वो सब पता चल जाता है उसमें ट्रैकिंग में। अभी तो मैम एक ड्राइवर के लिए मोबाइल खरीदना समझ लिए 1-1.5 महीना लग जाता है, आप भी जानती होंगी। जो इंसान एक मोबाइल नहीं खरीद सकता, सोच उसके बच्चे, उसका परिवार, उसकी बीवी, उस पर क्या हालत हुई होगी। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो किसी का बुरा भी मत करो। वीडियो के एंड में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि हर बार आदमी गलत नहीं होता। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो। बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।